जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई भी गलती नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि देखिए उन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की, तो गलती कहाँ से हो गई। जो लोग कुछ नया सीखने की नया करने की कोशिश करते हैं उनसे ही गलतियाँ होती हैं। जैसे कि देखिए एडिशन था तो उसने अपना जो 1000वां एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, मतलब 999 बार गलती की और उसके बाद फिर 1000वें बार में उसने जो है सफलता प्राप्त की। बाद में उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपसे गलतियाँ होती हैं तो इसका मतलब आप कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 15 सितंबर के करेंट अफेयर। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के चरित्रों की। देख कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। तो देखिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका ट्विटर है। और दूसरा प्रश्न है था कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2020 यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए ये तिथि था आपका 10 सितंबर। और तीसरा था कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है कि आपका 12 सितंबर को मनाया गया इस साल। और चौथा था कि हाल ही में किस ब्रिटिश एक्ट्रेस का निधन हो गया जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में ओलेना टायरेल की भूमिका निभाई थी। तो देखिए आपको बता दूं जो आपकी ये गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में ओलेना टायरेल की भूमिका निभाने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस थी, इनका नाम था टेम डायना रिग। और पांचवा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 105वें स्थान पर है। और इस इंडेक्स में कौन सा देश किस स्थान पर है, कौन पहले स्थान पर है, ये जानने के लिए आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जो है किसने जीता है। तो देखिए जो आपका फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 था इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए जो आपके लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के रेसर हैं और ये जो है ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और देखिए इन्होंने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित अभी हाल ही में जो आपका फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 था इसको जीत लिया है। और ये जो है इस सीजन की यानी कि जो आपके लुइस हैमिल्टन है तो ये जो है इस सीजन की उनकी टोटल 6वीं जीत थी और इनके करियर का जो है 90वां फार्मूला 1 जीत था। यानी कि इस साल इन्होंने टोटल अब तक जो है 6 फार्मूला 1 रेस जीते हैं किसने, लुइस हैमिल्टन ने। और इनका जो 6वां फार्मूला 1 रेस था ये कौन सा था, फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिसका आयोजन कहाँ भी किया गया था, इटली के मुगेलो सर्किट में हाल ही में। और देखिए जब का ये फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 था तो इसमें पहले स्थान पर तो आपके लुइस हैमिल्टन रहे हैं। और देखिए इस रेस में वाल्टेरी बोट्टास जो कि फिनलैंड के निवासी हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये दूसरे स्थान पर रहे। और इसमें तीसरे स्थान पर आपके रहे रेडबुल के ड्राइवर और थाईलैंड के निवासी जिनका नाम है एलेक्जेंडर एल्बोन, ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ आधिकारिक स्तर पर जो है द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की। देखिए जो आपका ये 2+2 वार्ता है ये बहुत ही फेमस है और जब से ये आयोजित हो रहा है तब से लगातार ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है। देखिए पहले इस 2+2 वार्ता में जो है भारत का विदेश मंत्री और भारत का रक्षा मंत्री और अमेरिका का विदेश मंत्री और अमेरिका का रक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करता था, लेकिन इस साल जो है सचिवों को बैठाया गया था इस वार्ता के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन बैठे थे इसमें। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि सितंबर 2020 में भारत ने जो है यानी कि इसी महीने में भारत ने अमेरिका के साथ अभी हाल ही में 2+2 अंतर सत्री बैठक जो है आयोजित की। और देखिए इस द्विपक्षीय बैठक में जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमेरिका जिनका नाम है सुश्री वाणी राव और भारत के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग श्री सोमनाथ घोष ने। और अमेरिका की तरफ से अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया अमेरिकी राज्य विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी श्री डीन थॉम्सन और
अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों के कार्यवाहक सचिव श्री डेविड हेलवे ने। तो देखिए जो आपके ये चार पदाधिकारी मैंने आपके बताया, यहाँ पे चारों के नाम आपको पता होना चाहिए कि भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया इसमें 2+2 वार्ता में, और अमेरिका की तरफ से किसने इस 2+2 वार्ता में पार्टिसिपेट किया। तो देखिए जो आपका ये 2+2 वार्ता है, इसका आयोजन जो है भारत और अमेरिका के बीच में हर साल किया जाता है। मैंने बता दिया कि हर साल रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस बार जो है विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए। विदेश मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव, इनका नाम है सुश्री वाणी राव, और रक्षा मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव है, इनका नाम है सोमनाथ घोष। और अमेरिका की तरफ से किसने किया ये मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है। तो देखिए इस गरिमा योजना को स्टार्ट किया है ओडिशा की सरकार ने। और गरिमा योजना क्या है, देखिए जो आपका गरिमा योजना है इसका उद्देश्य है ओडिशा राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। देखिए जो आपका ये गरिमा योजना है, तो ये जो है राज्य आवास और शहरी विकास विभाग ओडिशा के द्वारा जो है ओडिशा के सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। किसके लिए, जो वहाँ के स्वच्छता कर्मचारी हैं ओडिशा राज्य के, उनके लिए। तो याद रखिएगा कि जो आपकी ओडिशा की राज्य सरकार है, इसने अपने राज्य के सभी स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है। और चौथा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुभाष कामत, इनको चुना गया है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन। और देखिए जो आपके सुभाष कामत, इन्होंने इस पद पर रोहित गुप्ता का स्थान लिया है। और देखिए इसके अलावा जो आपका ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है, तो इसमें जो है NS राजन को इस भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का वाइस चेयरमैन चुना गया है, और शशिधर सिन्हा को जो है फिर से दोबारा मानक कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए इन दोनों का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डाटा कंप्लीट करना था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। मेन नाम आपको याद रखना है सुभाष कामत का, इनको बनाया गया है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का के जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल खिताब जीता है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने। और ऑस्ट्रिया देश के जो डोमिनिक थियम है, देखिए इन्होंने 2020 के इस US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा कर जो है मेंस सिंगल यानी कि पुरुष एकल खिताब जो है अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के पुरुष एकल के विजेता आपके रहे हैं डोमिनिक थियम। और देखिए जो आपका ये US ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, तो इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता, तो देखिए इस खिताब को जीता है नाओमी ओसाका ने। देखिए नाओमी ओसाका टेनिस की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। नाओमी ओसाका बिलोंग करती हैं जापान से, ये जापान की एक टेनिस प्लेयर हैं। तो याद रखिएगा कि जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका जो है, इन्होंने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब अपने नाम किया था। और देखिए जो आपकी जापान की नाओमी ओसाका, इन्होंने 2020 के इस US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हरा कर जो है ये वीमेन सिंगल का खिताब यानी कि महिला एकल खिताब जो है अपने नाम किया। देखिए जो आपकी नाओमी ओसाका, इन्होंने एक और काम किया है, देखिए हमारे एशिया महाद्वीप से बिलोंग करती हैं, तो एशिया से कोरिलेट कर देते हैं इनको। देखिए ओसाका ने इससे पहले 2018 US ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था, और ये जो है इसी के साथ अब 3 ग्रैंड स्लैम यानी कि इस साल का ये US ओपन टेनिस टूर्नामेंट मिला लें और 2018 का, 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मिला लें, ठीक है, तो ये जो है अब 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी भी बन गई है। तो इनके नाम से ये नया रिकॉर्ड बन गया है नाओमी ओसाका के, ये चीज़ याद रखेगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। और सातवां प्रश्न है कि भारत की तरफ से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में जो है किसने भाग लिया। तो देखिए भारत की तरफ से जो आपके वी मुरलीधरन हैं, जो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं, इन्होंने जो है 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। और देखिए जो भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, इन्होंने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया।
कहाँ पर? 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में। देखिए जो आपका आसियान है इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका मुख्यालय आपका इंडोनेशिया की जकार्ता में है, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को सिंगापुर में की गई थी। और देखिए आसियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं? आसियान के सदस्य हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस। आठवां प्रश्न है कि भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए जो भारत की रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स, इसने वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की जीडीपी की विकास दर है ये 8 से 8.2% की रेंज में नेगेटिव रहने का, यानी कि -8 से -8.2% रहने का जो है अनुमान जताया है। देखिए ये अनुमान जो है इसके पहले के जारी अनुमान -6.4% से अधिक है, और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा केयर रेटिंग्स ने जो है वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर जो है ये टोटल 8 से 8.2% की रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। देखिए जो आपका केयर रेटिंग्स है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है, और इसके सीईओ हैं अजय महाजन। नवा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया? तो देखिए ये राज्य आपका रहा मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है एक गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया पीएम मोदी ने हाल ही में, और ये गृह प्रवेश बहुत ही खास था। क्यों था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को हाल ही में संबोधित किया। इस कार्यक्रम में टोटल 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है निर्मित पक्के घर सौंपे गए। और दसवां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वह 15वीं लोकसभा में बिहार के किस स्थान से चुने गए थे? तो देखिए आपके रघुवंश प्रताप सिंह है, ठीक है, ये प्रसाद सिंह है, ये चुने गए थे बिहार के वैशाली से 15वीं लोकसभा के सदस्य। और लेकिन जब कहीं रघुवंश प्रसाद सिंह हैं तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो है इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया था। 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के संस्थापक का जो है 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता आपके थे स्वामी अग्निवेश, यहाँ पर इनकी फोटो आपको दिख रही होगी। देखिए 21 सितंबर 1939 को इनका जन्म हुआ था, और ये सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। देखिए साल 1970 में आर्य सभा नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी स्वामी अग्निवेश ने। 1977 में ये हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे स्वामी अग्निवेश। तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुप में ग्रुमैन ने जो है अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? उत्तर बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस व्यक्ति ने भारतीय नौसेना के मेटेरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में मध्य एशिया में शांति की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला व्यावसायिक विमान किस स्थान पर उतरा? आंसर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर बताइए। और देखिए हिंदी के बारे में मैंने बहुत ही कल बेसिक जानकारी आपको दी थी, तो हिंदी दिवस के बारे में जानने के लिए कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया? आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर इनसे बात होता है, कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए किसी ने मेरा फेसबुक पेज हैक कर लिया है, तो मेरा जो नया पेज है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको लाइक कर लीजिए ताकि आपको यहाँ मैं अपडेट देता रहूँ आपको जीएस और करंट अफेयर के। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।